जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड के इस छोटे से गांव में और बहुत ही शीघ्र जो दुनिया के मापदंड पर एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरता जा रहा है, उस माता वैष्णो देवी धाम से मैं सभी झारखंड वासियों का अभिनंदन करता हूं। माँ भगवती का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे। आज यहाँ आकर मेरा मन गदगद हो गया। मात्र 5 मास की अवधि में ये मंदिर कितना प्रसिद्ध हो गया और मैं प्रातः काल से देख रहा हूं कि बिना रुके श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आने वाले समय में ये प्रमुख धार्मिक स्थल और सचमुच वैष्णवी धाम बनने वाला है। आज से ठीक 14 दिन के बाद अश्विन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और संभवतः इस क्षेत्र में ये नवरात्रि सबसे स्मरणीय होगी। स्थापना के बाद पहला नवरात्र आ रहा है और बंगाल में दुर्गा पूजा सर्वत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमने अभी कुछ देर पहले ही निर्णय लिया है और आप सभी चैनलों के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग कलश स्थापन करते हैं और किन्हीं कारणों से अपने घरों में नहीं कर पाते, समय अभाव से, स्थानाभाव से, तो उनके लिए यहाँ माता वैष्णो देवी धाम में ये व्यवस्था की जा रही है कि वो यहाँ आकर आयोजकों से संपर्क करके अपना कलश यहाँ स्थापित कर सकते हैं। और नवरात्रि में एक नहीं, दो नहीं, 9 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूरी वैदिक रीति से प्रतिदिन उन कलशों का यहाँ पूजन किया जाएगा, जो आपके लिए शायद घर में संभव भी नहीं हो पाए, इतने ब्राह्मण और फिर वैदिक ब्राह्मण मिलना। और पंचोपचार नहीं, षोडशोपचार नहीं, राजोपचार से उन कलशों की यहाँ पूजा होने वाली है। पहली बार आपको देखने को मिलेगा उन जो से कैसे वो अंकुर निकलते हैं और उनका बड़ा ही अद्भुत स्वर, उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं कैसा स्वरूप। ऐसा शाखा का स्वरूप आपने कभी नहीं देखा होगा जो आपको दर्शन यहाँ नवरात्रि में होने वाला है। और जब वो पूरे 9 दिन के बाद विकसित हो जाए तो अपने आप में वो भी एक अलौकिक दृश्य होगा। सचमुच महा भगवती यहाँ आके विराजमान है और जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते हैं नवरात्रि में, तो वहां और ज्यादा भीड़ होती है। वो लोग भी यहाँ आकर साक्षात उन्हीं का स्वरूप है और वैसा ही प्रभाव और वैसे ही फल देने की शक्ति। क्यों? क्योंकि उनकी स्थापना भी मेरे साथ वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी आए थे यहाँ, उनके द्वारा हुई है। और संयोग देखिए कि ये उनके जीवन की आखिरी स्थापना थी। 21
अप्रैल को यहाँ स्थापना की, और जैसे सचमुच उन्होंने अपने प्राण अपने शरीर से निकाल के इन पिंडियों में डाल दिए और 21 मई को वो ये दुनिया छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। इस स्थान का महत्व तो इस बात से बहुत बढ़ जाता है, यानी इस मंदिर के बाद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं कि जहां उनके द्वारा स्थापना हो गई, ये आखिरी स्थापना उनके द्वारा यहाँ की गई है। तो ये मैं तो कहूंगा कि ये झारखंड के लोगों का भाग्य है और इस क्षेत्र के लोगों का तो और ज्यादा भाग्य है कि ये मंदिर यहाँ है। और इस मंदिर की भूमि में क्या प्रभाव है, मैंने आज सुबह के प्रवचन में भी बोला कि मैं जब यहाँ पहली बार आया तो ऐसा आकर्षण था कि जैसे मेरे पांव बांध लिए। और उसी दिन मैंने कल्पना की, यहाँ तो छोटा सा मंदिर बनाने की योजना थी आयोजकों की, तो इसको पूरा प्रारूप ही बदल दिया। अभी हमारे भविष्य की बहुत सारी योजनाएं हैं, आज प्रातःकाल से हम उन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही सालों में देखेंगे कि इस मंदिर का कितना विशाल स्वरूप आपको देखने का मिलेगा। वो चीजें जो आपने कभी कल्पना नहीं की होंगी वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और मात्र 5 माह के अंदर भगवती का स्वरूप देखी तो नजर उन पर टिक नहीं रही है। जैसा हमने उनको नाम दिया था त्रिनयना, सचमुच वैसा ही उनका स्वरूप है। और जो भी व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आता है लगता है कि माँ भगवती तीनों नेत्रों से उनको निहार रही है। और तीनों ही सतगुण रजगुण तमोगुण, जिस भावना से भी लोग यहाँ आएगा और उसके अंदर जो जो विकार हैं वो केवल दर्शन मात्र से दूर होते चले जाएंगे। अभी क्योंकि बहुत कम समय हुआ, आप सब लोगों का यहाँ सहयोग रहा और इसी तरह आपका स्नेह रहा, तो भविष्य में जैसे वैष्णो देवी नवरात्रि में प्रतिदिन अलग अलग भजन गाने वाले आके अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर भी हर नवरात्रि को अलग अलग कोई ना कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आके वैसा ही कार्यक्रम करेगा। ये मेरा आप लोगों से वायदा है। आप इसी तरह इस संस्थान से प्रेम बनाए रखिए और आप सबके प्रेम से ही देखेंगे कि ये स्थान कितना सुंदर बनता है। और जब यहाँ अधिक लोग आएंगे, रात भी मैं आया तो मुजफ्फरपुर से बस यहाँ आए हुए थे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे और इस प्रदेश के पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आमदनी कितनी बढ़ेगी, जितने ज्यादा पर्यटक आएंगे इस क्षेत्र का विकास भी उतना अधिक होगा। माँ की पूरी कृपा इस क्षेत्र पर बरसने वाली है, मेरा विश्वास कीजिए। सच्चे दरबार की जय। कितने कलश स्थापना करेंगे, क्या कलश के लिए कोई कलश यात्रा भी निकलेगा? कलश यात्रा नहीं निकलेगी नवरात्रि में, कलश यात्रा कलश से पहले निकाली जाती है। वो आप देख चुके हैं, मेरे जीवन में अनेक देश विदेश में मैंने कार्यक्रम किए लेकिन जो कलश यात्रा यहाँ निकली, और मैं उसके बाद जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं ऐसा दृश्य है आज तक हमने देखा नहीं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।